अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लेके आए हैं अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीजन 3 एपिसोड 10 पार्ट 1। बाबर सराय से निकलता है, मारिया मिल जाती है, कहती है क्या हो रहा है बाबर, क्या अभी तक तुमने नूरबिल की उम्मीद नहीं छोड़ी। बाबर कहता है मैंने छोड़ दी, मैंने उस गद्दार के लिए सारी उम्मीदें छोड़ दी, वो अपने किए की सज़ा खुद पाएगा, वो एक गधा है, उसके लिए आप काफ़ी है और वो सारा आपका है, मज़े करें। अच्छा मैं अपने रास्ते जाता हूँ। और वो कहता है मैं जानता था मेरा भाई हमें बेच नहीं सकता। इधर गार में सीमो ने खत लिखता है, बड़े उस्ताद अबू नक्काश ने मुझसे रابطہ किया है, जिस लम्हे का काफ़ी अरसे से इंतज़ार था वो आ गया। मैं तुर्कों को एक दूसरे के खिलाफ करने में कार्रवाई करने लगा हूँ, मैं आपके अहकाम का इंतज़ार कर रहा हूँ सीमोन। इधर कबीले में हाजत और रियान अर्जुन साहब कहते हैं मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, उसने मुझे ज़िंदगी लेने से पहले कर्ज उतारने का मौका दिया। नदी की तरह सोने के टुकड़ों से भरी पड़ी है, बताते हैं अर्तुगरुल साहब क्योंकि चट्टान बहुत भारी है, सोने की रेत तूफान से नहीं उड़ी, हमें सोना निकालने के लिए रेत को छान के अच्छे से अलहदा करना है। नदी के बंद पर एक गार है, मुझे लगता है हम छनी हुई रेत को उस गार में गिरा दें, यही महफूज होगा, है ना अर्तुगरुल साहब। कहते उस्ताद आप जैसे जानते हैं वैसे करें, जितना जल्दी हो सके आप उस सोने के टुकड़ों को निकालें और हमारी थैलियों में डालते हैं, जैसे आपका हुक्म हुजूर। अर्तुगरुल कहता है लेकिन नदी मेरी सोच से भी ज़्यादा गहरी है, हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। अर्तुगरुल साहब कहते हैं आपको जो भी चाहिए जाएँ और बाज़ार से ले लें, लेकिन जल्दी करें, आज रात जिरगा है हुजूर, समझो। हो गया। इतने में बाबर खुश होता हुआ खैमे में आ जाता है। अर्तुगरुल साहब पूछते हैं क्या है ये बाबर। बाबर कहता है भाई मैं अपने भाई नूरबुल से मिलने गया था, नतीजा ये निकला कि ये सब एक चाल थी, अगरचे मेरा जबड़ा एक तरफ टेढ़ा हो गया है लेकिन ये सब मेरे भाई को मेरी दुआ से मिला। भाई देखें उसने चुपके से मेरे जहन के थैले में क्या डाल दिया। और आरिफ साहब उसको देखते हैं, कहते हैं हुजूर ये एक मरमूज खत है, लेकिन इस आले के साथ इसे हल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मैंने कहा नहीं था, मुझे अपने सिपाही पर पूरा भरोसा है और इस खत के बाद अब पूरा यकीन हो गया कि सीमोन ही बपतिस्मा याहिया है। इधर बाजार में हलीमा सुल्तान और सालजान बातें करती हैं कि खवातीन जो कर रही हैं वो अच्छी हैं, बढ़िया काम कर रही हैं। इतने में चोलपान खातून आ जाती हैं और कहती हैं मैं आपकी बातों में हम कलामी कर रही हूँ। वो कहती हैं कि मुझे लगता है सब खवातीन थक गई हैं लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। हलीमा सुल्तान कहती हैं आज के लिए इतना ही काम बाकी है, अब हम कल करेंगे। हलीमा सुल्तान कहती है हम तैयारियां शुरू करते हैं, हमें अंधेरे से पहले निकलना है। वो कहती है अरसलान मैंने बाबा को बताने के लिए सिपाही भेज दिए हैं कि तुम आज रात काई कबीले रहोगी। और इधर चोलपान खातून उस खुशबू वाली दुकान पर आ जाती है, वो कहती है कि ये खुशबू आपको नहीं जलती। वो कहती है बचपन में गिरजाघर में ये खुशबू मेरे दिमाग पर बसी हुई थी। वो कहती जब से मेरी शादी हुई मैं गिरजाघर नहीं हुई, खुदाबंद मुझे माफ़ करे। वो कहती है ये खुशबू मैं आपको तजवीज़ करूँगी। वो कहती ये क्या है, कस्तूरी है, नर हिरन के खाल में छुपी होती है। और तभी दुकान पर ओराल आ जाता है, कहता खातून तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मैं साहब के लिए खुशबूदार होना चाहती हूँ उनके लिए। और पूछते ओराल आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहता है मैं वही कर रहा हूँ जो एक सरदार बाजार में करता है। इतने में खवातीन आ जाती हैं, ओराल कहता है सूरज डूबने वाला है तुम अभी तक गई क्यों नहीं। वो कहती है हम जा रहे हैं भाई, बस मुझे आपको कुछ बताना है। मैं सुन रहा हूँ, आज रात मैं हलीमा सुल्तान के मेहमानों में काई कबीले में रहूँगी, कालियाँ कुछ काम हो जो हमें निपटाना है। ठीक है जाओ। बातवान कहता है कि अरसलान खातून अगर उनके साथ जा रही हैं तो कल वो काफ़िले में होंगी। वो कहता है अगर अरसलान काफ़िले में हुई तो किसी पर हम पर शक नहीं होगा। और चोरपान खातून हाजत औरियान उस्ताद को देख लेती है और कहती है ये क्या आदमी अभी तक ज़िंदा है, मैंने सोचा ये मर चुका होगा, इसकी ज़िंदगी मैंने बख्श दी थी लेकिन तुम इसे कैसे जानती हो। हाजत औरियान सोने का काम का उस्ताद है, जब वो मेरे बाबा गवर्नर थे तो उसने कहा था कि सोना मिलकर निकालें, मेरे बाबा नहीं माने, सोना निकालें। और ओराल कहता है कि अगर अर्तुगरुल ने इस आदमी को छुड़वाने के लिए अपने आप को मुश्किल में डाला तो वो इसको जानता था। बतवान पता लगाओ कि ये आदमी बाजार में क्या कर रहा है, क्या खरीद रहा है, बेच रहा है, सब पता लगाओ। ओराल कहता है अर्तुगरुल साहब हम पता लगा लेंगे, तुम्हारे इरादे क्या हैं। चोलपान ज़्यादा देर मत करना, हमें सामने कुछ काम करना है। इधर आरिफ साहब कहते हैं हुजूर मैंने पहली दफ़ा ऐसा कोर्ट देखा है लेकिन आज रात मैं इसे हल कर लूँगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं मुझे नूरबुल की तफसीस हाल पर अफसोस है कि अगर हम उसने चुपके से उठाया है तो हमें जल्दी से इसको वहाँ पहुँचाना होगा वरना नूरबुल मुसीबत में आ जाएगा। आरिफ साहब कहते हैं मैं 70 मकान कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। इधर इसाक साहब कहते हैं हुजूर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी फरेब पर बनाई है। आरिफ साहब कहते हैं धोखा और सुजात को मार देता है इसाक। इधर अर्तुगरुल साहब ताज रसम से पूछते हैं काम कैसा जा रहा है। वो कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा जा रहा है, हम अपनी रोजी रोटी तजारत से कमाते हैं। वो कहता है आप खुश हैं जनाब, आप तो पूरा का पूरा कारोबार सिमोन के साथ यानी एक्साई के साथ कर खुश आए। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कम से कम तुम्हें हमारी कुछ खा लें तो अच्छी लगी।
और वो कहते हैं शुक्रिया जो, लेकिन इसके बावजूद सीमोन से बच कर रहे हैं। और वो साहब कहते हैं क्यों, वो कहता है सीमोन आपके ताकत में है, वो अपने साथ आपको मिलाकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। दूसरे लफ्जों में छोटे छोटे एहसान करके इस बदले में बहुत कुछ ले लेता है। और वो साहब कहते हैं ये तो हर ताजर में होता है, लेकिन वो कहता है कि सीमोन का मतलब सिर्फ जीतना नहीं बल्कि वो अपने ताजरों को शराकतदारों को अपनी जगह पर ख़त्म कर देता है, ये सच है हुजूर। अर्तुगरुल साहब कहते हैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल अपने मुखालफिन को दफन कर देता है, याद रखो। इधर हलीमा सुल्तान अलैहिस्सलाम खातून को काई कभी ले आती हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं आपने अच्छा किया, आज हमारे खेमे में बेहतरीन दावत है आपका, उसमें आना ज़रूरी है। हलीमा सुल्तान कहती हैं चलो काम ख़त्म करते हैं, अरसलान खातून मेरे खैमे में खुशामदी, चलो मेरे साथ। इधर ओराल अपनी बीबी से कहता है मैं छोटा सा था तो मैंने सब कुछ किया था कि वो मुझे प्यार करें, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझसे ऐसा बर्ताव किया जैसे मैं उनका सौतीली औलाद हूँ। चोलपान कहती है जो जानदार सा जालम इंसान है जो अपने किसी भी बच्चे को प्यार नहीं कर सकते। वो कहते हैं आप अकेले नहीं, ओराल कहता नहीं सिर्फ मैं ही हूँ, आलिया और अरसलान पर बहुत भरोसा है। ओराल कहता मैंने इस कबीले के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरे तमाम इज्जत के लिए आँखें बंद कर रखी है, उन्होंने मेरी बेइज्जती की, उन्होंने उस काम का बेड़ा अलियार को दे दिया जो अपनी किताबों में गुम है। वो कह दिए फिक्र ना करो जोर, बहुत जल्दी हम सब कुछ ले लेंगे। अलियार साहब पहुँचते हैं जिस दिन तोक्तामस को जाहिर दिया गया उस दिन सब कितनी खवातीन थी, वो कहते बहुत खवातीन थी, लेकिन सब खवातीन आइबो के खातून के मातहत थी। वो कहते हैं आइबो के खातून कहाँ है, वो कहते चोलपान खातून ने उन्हें किसी काम के लिए भेजा है, फिलहाल वो अभी कबीले में नहीं है। अलियार साहब कहते हैं कौसला जाओ, हमें उस आइबो के खातून को तलाश करना है। जनाब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो जिस भी सुराग में गई हैं मैं उन्हें ढूंढ लूँगा। इतने में चाबदार सरदार आ जाते हैं, आलियार साहब कहते हैं आए बाबा बैठें। क्या बात है बाबा, इस वक्त आप कैसे आए? कहते हैं बेटा अरसलान, वो कहते हैं कि अरसलान कुछ हुआ है? कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये ऐसे नहीं चल सकता, बचपन से ही अरसलान एक बागी लड़की थी, अपनी ईमानदारी और हमदर्दी के साथ हमेशा वो मुसीबत में पड़ी रही। मैं जो भी कर लूँ वो मेरी बात नहीं सुनेगी, वो हमेशा वही करेगी जो उसे सही लगेगा। और सरदार कहते हैं कि मुझे लगता है अरसलान की शादी कर देनी चाहिए, अरसलान को मैं दूर नहीं भेजना चाहता, मुझे लगता है कि अरसलान काई कबीले के सरदार बनने के काबिल है। इधर अर्तुगरुल साहब अपने खैमे में एक दावत करते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं अल्लाह के हुक्म से खाना शुरू करें, और दोयान तुम कुछ सुनाओ। और दोयान गाना सुनाने लगता है और सब खाना खाने लगते हैं। इधर आरिफ साहब उस खत को हल करने में अपने खैमे में लगे होते हैं, लेकिन उनसे वो खत हल नहीं होता। इसहाक कहते हैं हुजूर मैं देखूं क्या, मुझे देखने की इजाज़त है? वो कहते हैं हाँ देखो लिए लो। और इसहाक उस खत को हल कर देते हैं, उसमें लिखा होता है कि अबू नक्काज अगले महीने दिन के वक्त आंसू चट्टान पर, उसका दर्द ठीक हो जाएगा। आरिफ साहब पूछते हैं इसहाक तुम्हें लातीनी ज़ुबान कैसे आती है? वो कहते हैं शेख इब्न अरबी चाहते थे कि मैं लातीनी सीखूं, और वो दिन आ गया कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ गई, वाह मेरा शेर वाह। चलो सरदार को बताते हैं चले हुजूर, और आरिफ साहब खेमे में आ जाते हैं, वो इशारा करते हैं तो वो अंदर चले जाते हैं। वो कहते हैं हुजूर इसहाक ने काफिरों की जबान समझ ली है, सूरत हाल हमारी सोच से भी ज़्यादा गंभीर है, सुल्तान के महल में कोई जासूस है, सीमोन उस जासूस अबू नक्काश से मिलेगा, बगावत सुल्तान के महल में घुस गई है। आरिफ साहब अर्तुगरुल साहब कहते हैं हमें पता लगाना होगा कि वो जासूस कौन है। आरिफ साहब कहते हैं कि हुजूर वो जासूस से आंसू चट्टान पे मिलने वाला है सीमोन, इसलिए हमें उस जगह जाकर ही पता लग सकता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं दिलजान तुम वापस ये नूरगुल तक लेके जाओगे, अगर उससे कोई और मालूम मिली हुई तो वो तुम्हें बताएगा। दाऊद से कहो फौरन आंसू वाले चट्टानों पर पहुँचे, थोड़ी देर के लिए चक्कर लगा के आए, करीब से नज़र रखे जैसे आपका हुक्म हुजूर। रोसान उस आंसू वाले चट्टान पर जाएगा, वो पता करेगा कुत्ता कौन है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं अगर हमें उसको पता ना चला तो हम सुल्तान की हिफाजत कर सकते हैं ना इन सरजमीनों की। इधर सीमोन से फिलिप कहता है उस्ताद सीमोन कल अबू नक्काश आंसू वाले चट्टान पर कौन सी तजवीज़ पेश करेगा? फिलिप नक्काश कोई तजवीज़ पेश करने की हालत में नहीं है, उसकी जो भी तजवीज़ हुई मेरे लिए उसमें फ़ायदा होना चाहिए, असल सवाल ये है कि हमें इस ताबून से क्या हासिल होगा, सुल्तान का जासूस भी वहीं होगा, मैं ज़रूरी इकदाम उठाऊँगा। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।